आधा नर आधा सिंह नरसिंह, यानी कि नरसिम्हा। इस वक्त ये निद्र अवस्था में, इसे जागृत करना होगा। आंटी, आंटी कहाँ चली गई? मॉम, आंटी जी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मॉम, मोहिनी आंटी, ऋषभ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हवाओं का रुख बदल चुका है, ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। कुछ कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत होने वाला है। हे माता रानी, मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो उस डायन से। मेरा बेटा मासूम है, झूठी ममता का वास्ता दे दे के उस डायन ने उसे अपने वश में कर रखा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बचा लो मेरे बेटे को इस मोहिनी से, माता बचा लो। मोहिनी आंटी, मैं तो देखता हूँ। हाँ मॉम, मोहिनी आंटी, मॉम, शुरुआत हो चुकी है, अंत की शुरुआत की शुरुआत। चले, मौसम को क्या हो गया? सुधा, सुधा बेटा क्या हो रहा है तुझे? हाँ, क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुला। नलिन, नलिन से डॉक्टर को बुला। बेटा क्या हो रहा है तुझे? शांत तो जा, अभी डॉक्टर आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नलिन, जल्दी डॉक्टर को बुला। अरे अभी डॉक्टर को बुला कर आ रहे। नलिन, अभी डॉक्टर आ रहे हैं। जागो, जागो सोने वालों, जागो, जागो। तुम्हारी भक्त तुम्हें बुला रही है। ये हवाओं के झोंके, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़ों की कहानी, ये हवाओं की रवानी, सब तुम्हें बुला रहे हैं। जागो, मैं तुम्हें न्योता दे रही हूं, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूं, मैं तुम्हें जागृत कर रही हूं। जागो नरसिंह, जागो। मैं मोहिनी तुमसे प्रार्थना करती हूं। मैं मोहिनी तुम्हें बुला रही हूं। आओ, आओ और बलि लो, बलि लो, बल दो, बलि लो, फल दो। आओ, आओ नरसिम्हा,
एक पवित्र आत्मा, पवित्र दिल, पवित्र शरीर की बलि स्वीकार करो नरसिम्हा। रैना की बलि स्वीकार करो। जागो नरसिम्हा, जागो, वरना तुमसे पहले ऋषभ जागेगा। जागो नरसिम्हा, मेरी शक्तियां मुझे लौटाओ। जागो शक्तियों के देवता, जागो। रैना, तू नहीं जानती कि तेरी रगों में जो खून बह रहा है उसमें कितनी शक्ति है। इसमें वो बूटी है जो कनकराज के जरिए मैंने तुझसे मंगवाई थी। ऋषभ पे अटैक करवा के मैंने तुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि तू उन पहाड़ों पर चली जाए और जाकर मेरे लिए वो बूटी ले आए। और फिर वही बूटी मैंने जूस के जरिए तुझे पिला दी और अब वो तेरी रगों में बह रहा है। अब तेरा यही खून निकालकर मैं ब्रह्म राक्षस को पिलाऊंगी, उसकी शक्तियां उसे लौटाऊंगी। मॉम, मॉम ने किया ये सब मॉम ने किया। समझी रहना, इसीलिए मैं चाहती थी कि तू ऋषभ के साथ रहे, क्योंकि तेरी ही कुंडली में वो सितारे थे, वो ग्रह नक्षत्र थे जो उस बूटी को मुझ तक पहुंचा सकते थे। और फिर मोहिनी बन जाएगी सर्वशक्तिशाली, पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा, सिर्फ और सिर्फ मोहिनी का राज। ऋषभ तो बिना इस जानवर की आत्मा के ही मेरे वश में है, जो मैं कहती वही करता है, मुझ पर जान निछावर करता है। सब कुछ अपनी प्यारी माँ के लिए। आपने किया ये सब, आपने किया ये सब क्यों मॉम? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों कर रही हैं आप ये सब? मॉम को भी यही पहाड़ मिला था क्या चंडे के लिए? ये खत्म ही नहीं होता। मैं कुछ भी कर सकती हूँ ऋषभ, अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो तुझे क्या, मैं रैना को भी मार सकती हूँ। इसे मार देंगी? कौन है आप? आप वो नहीं हो सकती जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना प्यार दिया। कौन है आप, बोलिए, क्यों कर रही हैं ऐसा? कौन है आप? मैं कह रही हूँ ऋषभ, कुछ मत करना। अगर तूने कोई गड़बड़ की, सच कह रही हूँ, मैं इस लड़की को मार दूंगी। आज मुझे मेरी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, ना तू और ना ही ये लड़की। प्लीज मॉम, नहीं मॉम, रुक जाइए मॉम, आप जो बोलेंगी मैं करूंगा मॉम, प्लीज रैना को छोड़ दीजिए मॉम, मॉम रुकिए मॉम। ओ गॉड, पानी, बहुत प्यास लगी है। कौन है, कौन है, सामने आओ, उसे सामने आ, कौन है? मैंने ना नींद का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली हुआ क्या था इन्हें? कुछ कह नहीं सकते, इतने सालों के टॉर्चर की वजह से शायद इन्हें वो बातें याद आती हों। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बोल नहीं सकती, किसी से शेयर नहीं कर सकती, इस वजह से पैनिक हो जाती हैं। ठीक है, चलो आइए, मैं आपको छोड़ता हूँ।
सुधा, मैं जानती हूँ तुझे बहुत दुख सहा है, बहुत मुश्किलें उठाई है, लेकिन अब तो चिंता मत कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मुश्किलें जब हद से बढ़ती है तब बुराई का अंत नजदीक होता है। तेरा ऋषभ तेरे पास आ जाएगा बेटा, तेरा बेटा है ना, कहाँ जाएगा। हाँ, लेकिन इनका खून मतलब ऋषभ और मोहिनी दोनों गए कहाँ? पता नहीं, युगन ढूंढने गया है। आप भी कमाल करती हैं बुआ जी, वो दोनों छोटे बच्चे थोड़ी हैं, तो युग जाएगा और उसे हाथ पकड़ के ले आएगा। नलिन तू चिंता मत कर, एक बार उन्हें घर आ जाने दे, उसके बाद मैं किसी को घर से बाहर पैर ही नहीं रखने दूंगी बस। और फिर वो दोनों जहां भी है बस युग को मिल जाए। अरे हवा का झोंका भी आजकल डराने लगा है। अरे गन अंदर है, कोई नहीं है यहाँ। फूल कमो, युग बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हो? पता है जंगल बहुत ही डरावना है। अरे मैंने तो सुना है यहाँ राक्षसों का देवता रहता है। एक सेकंड, इसका मतलब मॉम यहीं आई है? लेकिन मुझे तो लगा था हम राक्षस की। ना 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 ना, मॉम अपने लिए शक्तियां लेने यहाँ आई है और मैं उन्हें वो शक्तियां नहीं लेने दूंगा, वो शक्तियां मैं खुद लूंगा। चलो मॉम को ढूंढते, चलो चलो जल्दी ढूंढते, चलो चलो। बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं। अरे मैं पिलाती हूँ पानी, ये लीजिए आग वाला। थैंक यू। बाबू कितने जंगली जानवर है ये? बाबू जंगल में जंगली जानवर ही होंगे ना? पंछी भी जहां देखो चोंच मार देते। बाबू वो देखो वहां पेड़, चलो उसके पीछे जाके छुप जाते हैं। हाँ चल। हाँ कमो, अरे पंछी गए। पंछी भी पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सिर पे नाचने के लिए। छुआ उड़ गए। अच्छा हुआ पत्थर ने बचा दिया, वरना आज तो ये पक्षी मुझे उड़ा ही देते। वो देखो वो रैना को कहीं खींच कर लेके जा रही है। जब देखो इसी को ले जाती रहती है। सुनो मैं मंदिर जाके देखता हूँ कि ये वहां क्या गुल खिला के आई है। ओके ठीक है, और मैं मैया के पीछे जाती हूँ, देखती हूँ वो कहाँ गुल खिला रही। मोह में ऐसा कैसे कर सकती है? ओ ब्रह्मराज जिसको वश में कर, कहीं बचाओ मुझे। ऋषभ, ऐसी जगह पे तुझे बचाने अपनी जान को खतरे में डाल के और कौन आएगा? सही कहा आपने, और कौन आएगा? अभी मॉम से मिले हो ना? हाँ मिले ना मॉम के साथ। What? ऋषभ, are you mad? मैं मॉम के साथ मिला हूँ। नाटक मत करो आप।
सब जान गया हूं मैं। मॉम का सच पता है मुझे अब। झूठ मत बोलो भाई। शब मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं मॉम के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जाके जस्सी दादी से पूछ ले, वो बताएंगे मॉम ने मेरी क्या हालत की थी। अरे मॉम ने मुझे भी काल कोठरी में बंद कर दिया था, वहीं जा वो सबको बांधती है। जहाँ उन्होंने वो कम्मो को भी बांधा था, तू जानता है कम्मो को वहां क्या मिला? तू सुनेगा तो तेरे भी होश उड़ जाएंगे ऋषभ। नैना, मॉम ने नैना को भी वहीं बांध रखा था। और जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि नैना मॉम का सारा सच जान चुकी थी, और उस रात को नैना मुझे वो सब सच बताने आ रही थी यार। तो उससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचती, मॉम ने राक्षस से अटैक करवा दिया, और लॉजिकली मुझे तो यही लगा ना कि नैना ने वो अटैक करवाया है। लेकिन मैं गलत था ऋषभ, वो अटैक नैना ने नहीं मॉम ने करवाया था मुझ पर। अरे ऋषभ, मॉम मुझे भी मारना ही चाहती है। वो तो फॉर्चुनेटली वहां से बचकर निकल गया मैं, नैना फंस गई। और उस काल कोठरी में मॉम ने नैना को बांध दिया, और हम सबसे यही कहा कि नैना राक्षस को वश में कर रही है, और हम सब तो मानेंगे ही। लेकिन सच ये है ऋषभ कि राक्षस को नैना नहीं मॉम वश में कर रही है। पता है मुझे, मेरी गलती है सब। हम वो फूल ऋषभ, अरे मैं तो नैना को अच्छी तरह से जानता हूँ यार, वो तो एक मक्खी तक। वो राक्षस, मॉम का विश्वास, मैं कैसे मॉम पे भरोसा कर लिया मैंने, आई डोंट नो। भाई मॉम नैना को लेकर गई है, उसकी जान खतरे में, कैन यू हेल्प मी, उसे बचाना होगा। ऑफ कोर्स ऋषभ, तू नहीं भी बोलता तो भी हेल्प करूंगा यार। चल जल्दी। सुन, कम्मो मेरे साथ है, हमने मॉम को रैना को कहीं ले जाते हुए देखा, मैंने कम्मो को मॉम के पीछे लगा दिया, हमें पता चल जाएगा वो लोग कहां गए, समझा? ओके, जल्दी चलते। उल्लू समझ रखा है मुझे। तुझे क्या लगा था मोहिनी बेवकूफ है? मुझे पता नहीं चलेगा कि तू मेरा पीछा कर रही है। मोहिनी की दो आंखें अगर आगे तो पीछे भी दो आंखें। पीछा करने का बड़ा शौक है ना तुझे, तो चला आज इन सारे झमेलों से तेरा पीछा ही छुड़ा देती हूं। चल मर। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। क्या सोच रही है सुधा? ऋषभ के बारे में सोच रही है? तो चिंता मत करा, उसे कुछ नहीं होगा। ऋषभ के साथ रहना है ना, जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चुप कर, चुप कर। ऋषभ कहाँ है? हाँ ऋषभ, रहना ऋषभ चला गया बेटा। कहाँ चला गया ऋषभ? और मंदिर में क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे नरसिम्हा आ गया था, और हमें बचाने के लिए ऋषभ ने उसका भाला छीन लिया, और फिर वहाँ से वो उसके पीछे चला गया।
रैना, मैं बड़ी मुश्किलों से तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। ऋषभ भ्रम राक्षस का पीछा करने के लिए, उसे मारने के लिए चला गया रैना। अकेला? आंटी, आपने उसे अकेले जाने कैसे दिया? मैंने कोशिश की थी बेटा, लेकिन तू जानती है ना ऋषभ को, वो बहुत जिद्दी है, उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। रैना बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है आंटी, चलिए ना ऋषभ को ढूंढते हैं। हाँ आंटी चलिए ना। हाँ बेटा चलो, चल। अच्छा पुली, तो हम लोग चलते हैं। आज पूर्णमासी की रात है, इसका मतलब जानते हैं ना आप क्या है? याद है आपको पिछली पूर्णमासी की रात को क्या हुआ था? पूर्णमासी की आधी रात को ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली हो जाता है, वो किसी के वश में नहीं आता। आप लोग भी संभल के जाइएगा। फुल्ली तू चिंता मत कर, शंभू तू फुल्ली के साथ रात भर रहना, कहीं जाना मत, इसका ख्याल रखना। हम लोग माँ की विभूति हमारे साथ रखेंगे, कोई अकेले नहीं जाएगा, सब साथ में जाएंगे। हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगी, वो माँ टूट जाएगी जिसने परसों उसका इंतजार किया। चल रहे ना। आंटी यहाँ बैठिए ना, आंटी प्लीज प्लीज बैठ जाइए। आंटी आप यहीं पे बैठना, मैं अभी ऋषभ को ढूंढ कर आती हूँ। नहीं रहना प्लीज, तू मत जा, यहाँ बहुत खतरा है, मैं तुझे अकेले जाने नहीं दे सकती। आंटी मैं अकेली कहाँ हूँ, आप मेरे साथ है ना, अगर मुझे कुछ भी चाहिए मैं आपको बुलाऊंगी, आई प्रॉमिस। पक्का बुलाएगी ना? हाँ आंटी, बस आप यहीं पे बैठना, हाँ कहीं मत जाना प्लीज, संभल के जाना। हाँ। रहना। बनाने वाले ने तुम्हारा आवाहन किया है, तुम्हें आमंत्रित कर रही है। आओ ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हें बुला रही हूं। गए तुम? मैं तुम्हारे लिए बलि लाई, वो खून लाई हूं जिसमें बूटी है। आज
जिस चांदी की सुई से मैं तुम्हें वो खून दे दूंगी, फिर तुम सबसे शक्तिशाली हो जाओगे। आज के बाद तुम्हारी कर्ता धर्ता, तुम्हारी पालनहर्ता, सब कुछ मैं, तुम्हें बनाने वाली भी मैं और तुम्हें मिटाने वाली भी मैं। आंटी और आप ये क्या कर रही हैं? वही जो पिछली पूर्णमासी को नहीं कर पाई वो आज हो जाएगा। तुम्हें याद है ना पिछली पूर्णमासी? वो पूर्णमासी, वो रात, वो चांद, वो तुम, वो मैं। वो आप थी? मुझे लगा वो नैना भाभी। प्लीज, नैना का नाम मत लो। उस नैना से ठीक से होता ही क्या है? वो तो कुछ भी नहीं कर पाती। मैं थक गई। दूसरों को अपने काम का क्रेडिट दे देंगे। कभी कनकराज। नैना रोको, मैंने कुछ नहीं। ऋषभ! तो कभी नलिन। बहुत हो गया। अब से मेरी मेहनत का फल सिर्फ मुझी को मिलेगा, सिर्फ मुझी को। ऋषभ, ऋषभ कहाँ है? कहाँ जाएगा बेचारा? वहीं पे है, नरसिम्हा पर्वत। रुक जाओ रैना, तुम वहां नहीं जा सकती। ये तो पूछती जाओ कि मैंने उसे वहां क्यों छोड़ा था। मैं तुम्हारी बलि देना चाहती थी, लेकिन वो नहीं देने दे रहा था, बार बार टांग अड़ा रहा था, इसलिए उसे वहीं छोड़ आई हूँ। घबराओ नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ तो सिर्फ ये आएगा, और इसे सिर्फ तुम्हारा खून चाहिए। अरे मत भाग रैना, मत भाग। आज ये राक्षस नहीं रुकेगा, आज ये तुझे पकड़ के ही रहेगा। आज ना इसे तू रोक सकती है और ना ही मैं। रैना! भाई कम्मो को फोन लगा, उसको पता होगा रैना कहाँ है। वन सेक। हाँ रैना, आई डोंट नो यार, घंटी बज रही है, फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ है लोग। ऋषभ कम्मो, ये किसने मारा तुझे और ये लोग कहाँ गए? उस चुड़ैल मोहिनी ने। एक मिनट, रैना कहाँ ये बताओ प्लीज। असुर स्थल। असुर स्थल? भाई मैं वहां जाता हूँ, ठीक है? हम भी चलते। चल। हाँ। असुर स्थल, वहां से वहां चलते हैं। असुर स्थल जाने के बाद वहां से
मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको मार दूंगा। कहाँ है रेना? क्या किया आपने उसके साथ, बताइए। रेना, रेना तो बीत गई, उड़न छो गई, चली गई। किन्नारे मुझे आपसे, क्या हो गया आपको? मैंने मैंने कभी आपको माँ समझा था? ऐसे मत बोलो मुन्ना, मुझे कितना बुरा लगेगा, माँ हूँ तुम्हारी। रेना, रेना कितना चिल्लाता है। उल्लू के पट्ठे, तू यहां क्यों आ गया? कहां गई? क्या किया आपने उसके साथ? भाई आप मॉम को संभालो, मैं रहना को ढूंढता हूं। हाँ ऋषभ तू जा, मदर इंडिया को तो मैं हैंडल करता हूं। आइए माताजी, आपकी आरती उतारे, आपको चढ़ावा चढ़ाए और फिर आपको सूली चढ़ा दे। आइए। What crap? रेना, रेना, रेना! रेना, छोड़ो छोड़ो रेना को, छोड़। अपने पास ही रखिए, आप किसी की सगी नहीं है, समझी? मैंने आज तक जो भी किया सब कुछ तेरे लिए किया, अपने बेटे के लिए किया, छोड़ मुझे। Of course, मेरे लिए तो किया है इन्होंने, सब कुछ आज तक मेरे लिए किया है, सबके सामने लगातार बार बार मेरी बेइज्जती करती आई हैं आप, और फिर क्या किया, मुझे इस काल कोठरी में अकेला छोड़ दिया है ना? हाँ छोड़ा, इसलिए छोड़ा ताकि तू इस पे नजर रखे, अगर ये भाग के बाहर आ जाती तो सबको पता चल जाता ये रहना इसके कब्जे में, और जब ये बाहर आती ना तो तू और मैं घर से बाहर हो जाते। वाओ मॉम, स्टोरीज तो बहुत अच्छी बना लेती हैं आप। ओ मदर इंडिया, ये जो बेटे बेटे का खेल है ना, इसे बंद करो, ये आप ऋषभ के साथ भी खेल चुकी हो। क्या हुआ फिर, वो आपका नाटक था? एक दिन उठ के बोल दिया आपने कि ऋषभ तो मेरा बेटा ही नहीं। ना हू नोज, आप मेरे बारे में भी यही बोल दोगी कि यूपी मेरा बेटा नहीं, फिर क्या? गॉड नोज आपके इस मास्टरमाइंड में और कितने प्लान्स भरे पड़े हूं। यू नो व्हाट मॉम, टू हेल विद यू एंड योर प्लान्स, आई एम डन। ओ कम ऑन मॉम, ऐसे मत देखिए मुझे, मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला हूँ। अरे छोड़ दे मुझे, झूठ ले भी, इस झूठ की पोटली पर बिल्कुल विश्वास मत कर। यू तो पागल है, तो मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगा? अपनी माँ को छोड़ के दो टके की औरत पे यकीन कर।
एक मिनट मॉम, आप इसे छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया, अपनी जिंदगी को तेरे लिए दांव पर लगाया। ऋषभ के सामने अपना सच लेके आ गया और तू आज मेरे साथ ये करेगा? अपनी माँ के साथ? जस्ट शट अप मदर इंडिया। मदर इंडिया, आज ये मदर इंडिया बिगड़े हुए बेटे को दिखाएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। सब कुछ तेरे लिए किया था ना युग, अपने इकलौते बेटे के लिए, और तू ने मेरा यकीन नहीं किया, इस औरत का यकीन किया ना। ये हाथ कैसे खुले इनके? अब तू देख, देख के मैं क्या करूंगी। शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ ऐसे करते हुए? हाँ, कहाँ गया? कब वो हाथ बांध इसके? काल कोठरी दूसरों के लिए बनाई थी मैया, अब उसमें तू ही कर ताता थैया। कमो, इस पाउच में कुछ था जो मॉम ढूंढ रही थी और उन्हें मिला नहीं। हाँ, वो क्या था? पता नहीं। आसमां भी हारता है, जमीन पे वक्त गुजारता है, फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। बहुत दुख रहा है क्या? तुम ठीक हो ना? जिंदगी जो टूटती है, उम्मीद सारी रूठती है, हौसला मिल ही जाता है राह में। चलते हैं यहाँ से। मुझे तेरा खून चाहिए, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ऋषभ को यही कहीं होना चाहिए। ऋषभ!
खून? नहीं। नैना। ऋषभ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता ऋषभ। कल मुझे बाहर निकालो। ऋषभ। नैना। मैं यहाँ हूँ। बाबू कुछ मिला? अरे बताओ ना कुछ मिला? तुम्हें बहुत जल्दी है, ये लो किताब लो और खुद ढूंढ लो फूल। अरे फूल तो मैं हूँ ही, अब गुलाब का या कमल का वो आप ही बताओ। हाँ मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि राक्षस को कैसे करना है वश में? बाबू एक काम करते हैं, आपकी मैया एक्सपर्ट है ना, उसी के पास चलते हैं और उसी से पूछ लेते हैं। शट अप, उनसे जाके पूछूंगा मैं। पर तुम्हें क्या लगता है वो बोलेंगे बेटा आ बैठ बताती हूँ? अरे मजाक उड़ाएंगे मेरा यू फूल, पहले अपनी रस्सियां खुलवाएंगी और उन्हीं रस्सियों से फिर हमें बांध देंगी, समझ आता है तुम्हें? पूछ लेते हैं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। एंड यू नो व्हाट, मैं खुद उस राक्षस को अपने वश में भी कर लूंगा, समझी? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे उस लड़की का खून चाहिए, शक्ति चाहिए, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। इस किताब में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मॉम, मॉम ने मंदिर में क्या किया? और नरसिम्हा पर्वत पे उन्हें ऐसा क्या मिला जिससे वो इतना हवा में उड़ रही है? बाबू, बाबू मुझे पता है मुझे। क्या? बाबू, याद है जब मैया मंदिर के बाहर आई थी तो उनके चेहरे पे एक चमक थी और उनके हाथ में एक अजीब सा बटुआ भी था, वो भी चमक रहा था। उसी बटुए की चमक की वजह से वो पागल पंछी उड़ गए जो हमें चोंच मार के मार देते। अरे उस बटुए ने हमें बचा लिया, जो भी है उसी बटुए में है। और फिर उसके बाद जब हमने मैया को काल कोठरी में बांध दिया तो वो बहुत गुस्से में थी, आग बबूला हो रही थी, और वो बटुआ उसमें भी चमक नहीं थी, मतलब जो भी शक्ति थी उस बटुए में थी। वन मिनट कमो, चमक शक्ति, आई डोंट नो, किताब में कुछ लिखा होगा शायद, एक मिनट। नरसिम्हा पर्वत पे वो हरा पत्थर है, ऐसा कहते हैं कि नरसिम्हा को जागृत करो तो उसकी आत्मा उस पत्थर में आ जाती है, फिर ब्रह्म राक्षस चाहे कितना भी दूर हो वो उसे अपने पास खींच ले आती है। ब्रह्म राक्षस का सृजन और विध्वंस करने वाला वही है नरसिम्हा। उस पत्थर में वो शक्ति है जो राक्षस को वश में कर सकता है। चल कमो, वो पत्थर ढूंढते हैं और उसके बाद। क्या कह रहे हैं तू? हाँ। शिट। ऋषभ। अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ।